एक्टिया पंचायत में आ चुके हैं भाई। मुश्किल से ये कम्युनिकेशन बिल्कुल खराब है, बिल्कुल हम आपको अररिया जिला का सबसे अंतिम छोर जो है सबसे अंतिम छोर है ये, फाजन प्रखंड का भी ये लास्ट बॉर्डर है, यहाँ से कुर्सा काटा शुरू हो जाता है। और यहाँ के बाद जो सामने का नजारा आप देख रहे हैं, ये वीरान बस्ती आप देख रहे हैं, ये वीरान जो सामने पेड़ पौधा आप देख रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ जो देख रहे हैं, ये नेपाल में पड़ता है, पानी का बहाव नेपाल की तरफ से आया हुआ है और बहुत बुरा स्थिति था। आपको नजारा दिखाते हैं किस तरह से कटान यहाँ हुआ है, ये आप देख रहे हैं मंजर, यहाँ का ये स्थिति है, यहाँ का ये किस तरह से नदी का कटान हुआ है। एक भी घर यहाँ बचा हुआ नहीं है, सब लोग बेघर हो चुके हैं। ये नजारा है किस तरह से लोग सड़क पर, बस यही एकमात्र सड़क टूटी फूटी सड़क बचा है जीविका जीने के लिए, जीविका को चलाने के लिए। इनके पास कोई साधन नहीं है, कई मवेशी रह गए हैं, कई साधन शादी के लिए इन लोगों के पास कई व्यवस्था किया गया था, कुछ भी बचा हुआ नहीं है। ये देखिए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है सरवर कुमार पासवान। हाँ, रास्ता दे दीजिए। रास्ता मेरा पास कुछ नहीं है सर, मैं एक गरीब आदमी हूँ। रास्ता दीजिए। हाँ, मजदूरी करी सर, मैं किसी से खा रहा था सर, जो भी था सर मेरा तो गया घर सर, मेरा पास कुछ नहीं बचा सर। अच्छा। सर मैं अब मैं नहीं सर। बगल में एक कैंप चलाया जा रहा है, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था हो रही है, वहाँ पर सर नहीं पहुँच पा रहे। आप तक नहीं पहुँच पा रहे? नहीं सर। कितनी दूरी पर कैंप है यहाँ सर? यहाँ से कुछ दूरी है, कुछ दूरी पर है सर। और यहाँ पर कुछ राहत भी नहीं आ रही सर। अच्छा सर, हम लोग यहाँ खाने के लिए बाल बच्चा बीमार से पड़ रहे सर, बीमार से सब एक ही बिछोना पर सर, बच्चे लोग कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, तीन मिक्स है, ये तीन नंबर चार नंबर मिक्स वार्ड है। हाँ, मिक्स है सभी तीनों नंबर। ग्राम कौन है ये? ग्राम सोनामणि गुदाम में। तो ये स्थिति है इन लोगों की, रोते बिलखते हुए इन लोगों के पास सिवाय दर्द बांटने को कुछ नहीं बचा है और सरकार की कोई भी मंशा इन लोगों तक नहीं पहुंची है। ऐसे में कोई क्या कर सकता है? अब इधर से देखिए, क्या कहना चाहती है, क्या परेशानी है? बोलिए। घर दिहा दिया है, सामान खाने पीने भी कुछ नहीं है, सबके साथ एक ही समस्या है, खाने पीने को कुछ नहीं बचा है, बहुत बुरा स्थिति इन लोगों के पास है। हम आपको आगे का नजारा दिखाते रहेंगे, आप बने NHTV के साथ, मैं हूँ शाहनवाज गाजी कैमरामैन प्रवीण आलम के साथ। काफी पानी थी यहाँ पर, चलना मुश्किल था, कमर से ऊपर पानी था, लोग भाग कर सबसे पहले ये स्कूल में, ये प्राथमिक स्कूल जो है यहाँ पर लोग आके शरण लिए। जब यहाँ पर इस स्कूल को आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्कूलों में लोग आकर रहना शुरू किया, लेकिन यहाँ पर लोगों की तादाद जब बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो लोग स्कूलों से भागकर सड़क पर अपना जीवन यापन करने को मजबूर हो गए। लोग सड़क पर आकर के बसे हुए हैं, यहीं पर सड़क है, चूल्हा बिस्तर चौकी मवेशी माल जाल सारे साधन यहीं पर लाकर रखे हुए हैं, इनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, बहुत परेशान भी है ये लोग। आज जानते हैं क्या समाचार, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम कारी बदरे आलम। क्या परेशानियां आप लोगों को महसूस हो रही है, क्या हो रहा है? परेशानियां तो ये है कि सारा घर जो है भास गया पानी में। कितने पानी रही होगी? पानी बिल्कुल डूबा पानी, डूबा पानी आप लोगों का था। हाँ बिल्कुल, और सारे लोग बाल बच्चा जो है ये लेकर के अपना जो है यहीं पर खाना पकाना जो कुछ कर रखा, कई कई शाम हम लोग फाका रह चुके हैं यहाँ पे, भूखा भी रहना पड़ा। कम्युनिकेशन भी पूरी तरह बाधित हो चुकी है और इन लोगों का निवेदन है कि सरकार हम लोगों तक कुछ ना कुछ राहत सामग्री भिजवाने का कष्ट करे, कब प्लास्टिक की आवश्यकता है, बारिश अभी आ जाए तो रहना मुश्किल हो जाएगा।